राम चक्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं फास्ट समाचार से। आज जानेंगे लोगों से उनका मत कि क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य हुआ है, क्या बदलाव चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं, आइए जानते हैं। ना सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, ना कुछ है, लाइट की लाइट रहती की नहीं रहती है। जिस तरीके की समस्याएं हैं आपको उनका निवारण भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या चाह रहे हैं आगे, सरकार बदले ना बदले, किसका चेहरा देखना चाहते हैं आगे? राहुल गांधी को कांग्रेस को। आइए आप आइए, ऐसे आओ। आप बताइए भैया, यहाँ के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है, आपको यहाँ की योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता, आपकी घर की बेटियों को, बहुओं को, माओं को? आज बहुत सका दे साहब, बिल्कुल लाइट नहीं आए और दूरी टूट जाता तार मर भी फिर रहा है डरिया के नीचे, देखो लाइट आप देख सकते हो, तार टूट जाता तीन तीन दिन आलो बिजली बारे नहीं आए, हाँ मर जाए टपरा में आग लग जाए, भाई मैं सोता ही रहना कल आप मिल रही है। आने वाले चुनावों को लेकर कि किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं? अरे हम तो हमें तो साहब लाभ देगो देखो हम तो सब सुखी हैं अभी यार। आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप किसकी सरकार लाएंगे, आपको किससे आपका? अरे हमें तो देखिए मोदी सरकार ही बहुत बढ़िया है, मतलब हमारी व्यवस्था तो करेंगे। सीधे विधायकों के पास क्यों नहीं जाते, मंत्रियों के पास क्यों नहीं जाते, इनकी शिकायत लेकर पूरे गांव वासी इकट्ठे होकर के? विधायक साहब रह जाते हैं उनके पीट करके, फिर कोई की नहीं सुने। अभी नहीं बंद है जाते की हम एक पैसे भेजा थे के हाथ बंद कर रखे। हां रंदा में जो भासी छोड़ बैंक लेने के सुनते नहीं, तीन चार में कागज लगाया हम। शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत कर रही है, शिकायत में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही, सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आने वाले समय में विधायक बदलेगा या नहीं बदलेगा, या इनका ही चेहरा देखना चाहते हैं? अरे इनका का चेहरा मोदी है तो ठीक, अब कर्मचारी खा रहे हैं ना कोई नाव विधायक मिले को बात चाहे थे, कोई नाव विधायक बने को हमारी पंचायत को बात चाहे थी। अच्छा इस विधायक को इस विधायक हम नहीं चाहते, हाँ जब विधायक को नहीं चाहते। प्रॉब्लम है ही, मेन प्रॉब्लम है ही यहाँ की शिक्षा, जगह मोड़ा मोड़ी है ना, बच्चे को ये इंटरेस्ट नहीं है, सभी अपने इंटरेस्ट है, वो काय में घर को खर्चा चलाने काम में इंटरेस्ट है, छोटे छोटे बच्चे तक मजदूरी करते हैं यहाँ, मास्टर ही नहीं आ रहे पढ़ाने के बच्चे। जो पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में कार्य किए गए हैं, जो अभी हाल फिलहाल के विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? विधायक ने कुछ भी नहीं किया, उनकी कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है आप? क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? अरे हमारे तो जो रास्ता मस्ता सही हो जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेज, स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, कॉलेज, अच्छा उच्च शिक्षा के लिए कोई भी अभी स्थल यहाँ पे बनाई नहीं है, छोटे मोटे हैं लेकिन बड़ी कॉलेज नहीं है। कॉलेजेस चाहते हैं कि बच्चों की जो आने की वाली जो शिक्षा है, ट्वेल्थ के बाद जो पढ़ना चाहे वो इसी क्षेत्र में रहकर के पढ़ाई कर सके। अच्छा और सड़कें नालियां वगैरह बिजली वगैरह उनका कैसा क्या? बिजली वगैरह भी नहीं आया, कभी कभी चली जाती, लाइट से भी परेशान रहते हैं, कोई देख रेख भी नहीं आया। किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं, किसे वोट देंगे? अब प्रत्याशी जो हम कोई सामने आएगा वो अच्छा होगा वो देखेंगे हम। हमें 60 साल मिला तो वही नहीं मिल रहा, योजनाओं का लाभ बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिली कते कते इस साल ही, अभी पहले से मिली नहीं रही है आपको? पहले तो मिल गई थी 2 महीना, बस बार से ही बंद, इस बार से बंद हो गई है, बंद रही, मिला ही नहीं रहा। आप किसे वोट देना पसंद करेंगी? अब हम तो मामा जी, मैं तो मामा जी, बीजेपी को ही देंगी आप? शिवराज सिंह, मैं तो मामा जी दाऊंगी। मुन्ना से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आगामी चुनावों की जानकारी लेंगे, यहाँ के क्षेत्रवासियों से देखना चाहेंगे क्या होगा बदलाव, किसकी होगी सरकार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवराज। पूरा नाम? शिवराज ओझा। शिवराज ओझा, जानना चाहते हैं कि अभी जो यहाँ के क्षेत्र का माहौल है, यहाँ पे जो कार्यवाही की जा रही है, जो यहाँ के करंट विधायक हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं आप?
अब जन में हमें जानकारी नहीं है। आप भी आ जाइए। नहीं आप उनसे संतुष्ट? क्या बदलाव देखना चाहते हैं क्षेत्र में? बदलाव तो उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप क्या देखना चाहते हैं यहाँ के, क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? समस्या तो यहाँ पे बहुत कुछ है, क्योंकि जनता की कुछ भी मांग पूरी नहीं होती उनकी द्वारा। सरकार किसकी देखना चाहेंगे, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी की देखना चाहेंगे। बीजेपी की देखना चाहेंगे। बदलेंगे किसे? बदलेंगे महेंद्र भैया को। किसे वोट देना चाहेंगे? महेंद्र भैया को देंगे। अच्छा यहाँ पे सबका मत एक ही है या सबके अलग अलग है? अच्छा बताइए आपका नाम क्या है दादा? सोन सिंह। सोन सिंह, किसे वोट देना चाहेंगे आप, किसका चेहरा देखना चाहेंगे? अरे जी खतौरी वालों में मेल सिंह। अपना कुछ संदेश उन्हें देना चाहते हैं, अपनी कुछ समस्याएं उन्हें बताना चाहते हैं? समस्या कोई नहीं है, मतलब ये है कि हमको खतौरी वालों को बताना है। जीत के गए तब से बदले ही नहीं है, कैसे कोई नहीं बताई, यहाँ सकले नहीं बताई, कह गए थे हैंडपम्प लगवा देंगे, जो करवा देंगे, तो कुछ कछु काम नहीं भाव जा, काम नहीं हुआ ना, कोई आदिवासी लोगों का कुछ काम ही हुआ ही नहीं अभी तक। मौका बोल दिया था लाइट डालने की, ना लाइट आई, अभी तक कुछ समझ वो ही नहीं है समाधान। नमस्कार, फास्ट समाचार से अर्षिता तोमर बोल रही हूँ, रणनौत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जानेंगे आगामी चुनावों को लेकर की पब्लिक का क्या है मत। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? कमल किशोर शर्मा। कमल किशोर शर्मा। आपका? सुभाष जोशी। सुभाष जोशी। आपका? राजाराम सेन। राजाराम सेन। अभी जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर की क्या मत है आपका, क्या विचार है, किसे वोट देना चाहेंगे आप? मोदी को। मोदी को वोट देंगे? भाजपा की सरकार देखना चाहेंगे? किस प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? हाँ, जो आएगा मौका तो देखा जाएगा। नमस्कार दादा, आपका क्या नाम है? श्री भगवान सोनी। अच्छा, आगामी चुनावों को लेकर के किसे देखना चाहते हैं आप इस बार? मोदी जी के मुकाबले कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, दूसरा कोई विपक्ष है ही नहीं, कोई विपक्ष ही नहीं, उनके सामने कोई चेहरा ही नहीं है इतना मजबूत। मोदी फैन है सब यहाँ? फैन अपन तो मोदी देख रहे हैं। मोदी की सरकार देखना चाहेंगे? मोदी प्रत्याशी देखेंगे या जो अभी हाल फिलहाल में विधायक है उन्हें ही वोट देंगे? उन्हें नहीं दे रहा है, उन्हें नहीं दे रहे, दूसरा चेहरा चाहेंगे? और चाहेंगे। विधायक में बदलाव चाह रहे हैं यहाँ के लोग? विधायक में बदलाव देखना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं विधायक में बदलाव देखना चाहते हैं, जो अभी जो विधायक हैं उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, अगली बार हम चाहते हैं बीजेपी का विधायक बने पर इनको हटा के कोई दूसरा बने। दूसरा विधायक हैं आप बीजेपी की तरफ ही? बीजेपी सपोर्टर हैं। उनके कार्य से संतुष्ट नहीं, उनकी कार्यशैली पसंद आ नहीं रही आपको? उनकी कार्यशैली हमें पसंद नहीं, हम चाहते हैं बीजेपी का विधायक बने पर उनको हटा के कोई और बने दूसरा। लेकिन उनकी शर्त के लिए हम पन्नी चढ़ाए बैठे मकानों पे हमारे, क्या हालत है? कुछ नहीं हो रही, नगर पालिका भी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं, ना विधायक साहब सुन रहे, कोई इतना परेशानी भोग रहा है, आज घर जाके दिखाए ना आपको तो आप भी हैरत मानेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी ये योजनाएं तो लाई नहीं गई थी, यहाँ पे भाजपा की सरकार में कुटीर की तो निकली है। वो पूरी करेगी, वो पूरी करेगी कांग्रेस। आपको लगता है जो योजना भाजपा ने चालू की कांग्रेस उसको आगे बढ़ाएगी, उनमें बदलाव लाएगी? अच्छा, बढ़ाएगी, विश्वास है, बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ, बदलाव चाहता है पूरा मध्य प्रदेश चाहता है। पहले कमलनाथ की सरकार आई थी, दो हजार रुपये माफ कर रहे थे किसानों के, बेकरे नहीं है, कहीं पीला कागज लाओ, कहीं दोहरा कागज लाओ, कहीं लाल कागज लाओ, है आलू निकाल रहे, कहीं एटीएम से कहीं जो निकालेंगे, कहा निकाला कांग्रेस ने कुछ निकाला? रुपया किलो गेहूँ भी दे रहे हैं तुम्हें, गेहूँ दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं? कैसे खेच रहे 25,000 से? अपने बाप दादे, अपने बाप दादे मर गए झोपड़ी में, अपने बाप दादे मर गए झोपड़ी में, मोदी ने तो जीत दी। इनका सुनो इन महिलाओं का, अपने बाप दादे मर गए झोपड़ी में, मोदी तो मकान दे रहा है ना रहने के लिए। हम तो बीजेपी की सरकार चाहती है डंके की चोट में, बीजेपी को लाएंगे और बीजेपी को रखेंगे। नमस्कार अम्मा, क्या नाम है आपका? हमें एक एक हजार रुपए आए इधर ना, पेंशन ला रहे हैं भाई, आ रहे हैं बड़े नहीं है और कहा परेशान है, भगा देते क्या देते तो अभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं डले? डर से मैं पेंशन डर 600 रुपए। अरे मैडम, मुद्दा बहनों पे लड़ा जा रहा है चुनाव, बहने सामने खड़ी और भी 1,000 नहीं डर रहा है, 400 रुपए जोड़ने बढ़ के नहीं आ रहा है। कहते हैं ना 400 तुम मिल के आएंगे, तो नहीं आया। अभी जो 1,000 रुपए वाली योजना निकाली गई थी उसके तहत आपको पैसा मिला नहीं? शिकायत की आपने जाके अधिकारी से, कलेक्ट्रेट में शिकायत करी? नहीं, शिकायत की आपने?
पेंशन ला के डर के कोई सुना ही सका ना पेंशन नहीं आ रही और पैसे नहीं डरे के हजार नहीं डरे जी नहीं डले तो आप लोग कलेक्ट्रेट जाइए वहां पर शिकायत कीजिए बहन जी हमें तो फुलवारी सरकार चज्जे हमें तो हमने जिंदगी में पक्के मकान ना देखे थे हजार रुपए जब महीना रुपए जिके लोग गए हमें तो पाल राज्य सरकार हमें तो भाजपा सरकार विधायक कोई बने फिर बने भाजपा को अभी जो विधायक है उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं आप नहीं बेने काम में गड़बड़ कर रहे हैं खेत का छू करत का छू विधायक के रूप में दूसरा विधायक बैठे थे कांग्रेस की सरकार में कह रही थी केसीसी माफ होंगी जब आज तक हम फिर केसीसी कर रहे हैं कहा से बिन के बाद औलाद नहीं हमारे साल की केसीसी बारतते हम भाई आसाम हमने केसीसी नहीं भरी अब हम फिर वो कर जाओ रहा बोल तो ना माफ करे ना कछु करे बोली थी कभी बोली भी तो ना था बोली भी तो ना मैंने कहा माफ करेंगे हैं मैंने बोली भी तो ना जा गलत ने बोली भी तो ना जा अरे हमारी सरकार आएगी अरे बोल ना जा भाई फूल आएगा कि नहीं रुपए नहीं मेरा मेरे जमीन के फूल आएगा फूल भाजपा की आएगी बीजेपी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी का काम किया संजीवनी लेकर आते जब जब पब्लिक बची आज भी वो जब आई ना तब जाने का नहीं जब पब्लिक बचपाई नहीं ये भी नहीं होती हाँ भाजपा के नहीं बचा पाई है नहीं तो कोई साक्षरार नहीं बचा पा रही थी इतनी आवाज है ठीक है ना और आज भी सड़क खुली पड़ी होगी कोई कुत्ता भी नहीं घुस सकता है और नहीं तो चोरी चपाटे डकैती खूब चल रही थी हमारी खुद हुई थी चोरी बीजेपी की सरकार में और आज सड़क खुली पड़ी होगी कोई कुत्ता भी नहीं घुस सकता है इंसान की बात हो और जमीन के रुपए नहीं मिल रहा है ना अमीर मामा ने गेहूं के सुनना ना 8 महीना होगा गेहूं सुनना ना इधर बार और उठा लगवा लेते हैं भाई नहीं मिल रही ढंग से कार्यों में थोड़ी देरी होती है अभी आपने बोला आपने इस बात की शिकायत नहीं की है आपने उनको संज्ञान में नहीं दिए एक बार जाइए बताइए तो ये कई बार हमें भाई ये कई बार आए हैं ये कई बार में हमें काय नहीं आए सभी तो आए एक एक इंसान थोड़ी देश में करोड़ों की जनता है सब लोगों का उनको ब्यौरा रखना पड़ता है तो थोड़ा इस चीज में हमसे जब बोले थे कि तुम फार्म मत भरवाओ तुम्हें तो 600 में 400 मिल के आया सो हमने सोचा मन का जाएंगे अब हमें भी 600 ही आए हमने डाला था आपने अन्ना जा रहे 600 ही आए का फॉर्म नहीं डाला था डरे तो डरो तो मेरा नाम है महेश कटीश मंडल महामंत्री अच्छा अभी जानना चाह रहे हैं कि जो हाल फिलहाल में विधायक हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनसे आप संतुष्ट हैं नहीं है पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य हुआ कुछ नहीं किया पूरे बदलाव देखना चाह रहे पूरे कार्यकर्ता तोड़ दिए पूरे कार्यकर्ता तोड़ दिए सरकार से संतुष्ट है भाजपा सरकार से है चेहरा बदलना चाह रहे हैं विधायक चेहरा बदलना चाह रहे हैं विधायक का चेहरा बदलना चाह रहे हैं किसे देखना चाहेंगे विधायक महेंद्र सिंह यादव हाँ आपके क्या नाम मेरा बलराम खटी सरकार के बारे में क्या कहना है आपका सरकार बहुत अच्छी चल रही है लाडली बहना योजना के लिए सबको एक एक हजार सब माता बहनों को पैसे मिल रहे हैं सब मिल रहे हैं मेरी माता जी को मिल रहे हैं मेरी बहन को मिल रहे हैं आपको विधवा पेंशन मिलती है वो ही मिलेगी बढ़ के आएगी और सरकार बहुत अच्छी है सारे देश में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और हमें यहाँ से विधायक जी को हटाना और हमारे दूसरे विधायक जी को लाना है कोई पार्टी किसे देखना चाहते हैं विधायक के महेंद्र सिंह यादव जी को देखना चाहते हैं जी भाजपा से देखना चाहते हैं कांग्रेस से भाजपा से देखना चाहते हैं हम तो कांग्रेस हम तो भाजपा को से देखना चाहते हैं हम बिल्कुल हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं महेंद्र सिंह यादव जी से अभी जो विधायक है उनसे पहले जो उनके पिताजी ने कार्यरत थे वो उनका जो कार्यकाल रहा उस दौरान उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनसे संतुष्ट थे आप हाँ जी हम संतुष्ट थे हमारी स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल है उसके लिए उनने 5 लाख रुपए दिया कई और कार्य किए रोडें डलवाई उनने नालियाँ बनवाई पुलियाँ बनवाई जो और स्कूल में भी पैसा दिया उनने सारी चीज़ें हाँ शिक्षा विभाग में और कभी किसी का बुरा नहीं किया है अभी आप उन्हीं के पहले चुनावों में महेंद्र सिंह यादव जी का जी महेंद्र सिंह यादव सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह यादव जी अगर टिकट मिलता है तो सिर्फ महेंद्र सिंह यादव जी जीतेंगे अन्यथा कोई जीतेगा नहीं नमस्कार फास्ट समाचार
सरकार से मैं हूँ हर्षिता तोमर आपके साथ। आगामी चुनावों को लेकर की सर्वे किया जा रहा है, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही है। आज हम निकले हैं ईसागढ़ से तरावली की ओर, जानेंगे लोगों का क्या है मत, क्या क्या कार्यवाही चाह रहे हैं वो आगामी चुनावों में, किसको देंगे वोट, किसके बनेंगे समर्थक। नाम राजेश। पूरा नाम? यादव। राजेश यादव। अच्छा अच्छा, हम निकले हैं भैया आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर के आपसे जानना चाह रहे हैं, आप अपना मत किसको देंगे? आप साहब जैसे अभी तो विचार बना रहे हैं, वे तो किसानी में लगे हैं, आप जैसे गांव सहयोग करेगा ऐसा हाँ। करेंगे वैसा तो हम जो कह रहे हैं शासन बदलने को विचार है। अब कहे के अभी शासन महंगाई ज़्यादा है, कुछ लाभ नहीं है किसानों को। अब जो मान लो कि बहुत मतलब वो है घाटा का, क्योंकि अब जैसे धनिया है अब भाव 16,000 बेचा है, अब भाव 4,000 रुपये कुंटल को बेचो है, तो अब भाव में कितना वो पड़ रहा हो। आप अभी की सरकार से खुश नहीं है? नहीं नहीं, अभी सरकार खुश नहीं है। नहीं है खुश? किसे लाना चाहते हैं आप? कांग्रेस को ही लाएंगे बेचारा। कांग्रेस को लाएंगे आप? अभी जो विधायक यहाँ पे हैं कार्यरत हैं, उनकी कार्यशैली से किस तरीके की संतुष्टि आपको, संतुष्ट हैं भी या नहीं? नहीं अभी नहीं है संतुष्ट। नहीं है संतुष्ट? बदलेंगे कांग्रेसियों का चेहरा देखेंगे, भाजपा में ही देखेंगे चेहरा? कांग्रेस 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 को देखना चाहेंगे? कांग्रेसियों में किसे प्रत्याशी देखना चाहेंगे आप, क्या कौन चाहते हैं? वो अब चुनेंगे नेता, कौन सा नेता है वो, जे कुछ जासू जासू आप सहयोग करेंगे नेता तो फिर आप उसी चुनेंगे। आपके मन में कोई विचार, आप यहाँ पे क्या क्या कार्य विकास चाहते हैं? विकास ही तो आप गाँव में जाके देखो क्या विकास है, आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, इतना खराब रास्ता है, कोई गाड़ी नहीं निकल पाएंगी। ये मान लो कि बहुत बुरी स्थिति है गाँव में, बहुत बहुत बुरी स्थिति है। खतौरा पहुंच गए हैं हम, आज जानेंगे खतौरा के रहवासियों से क्या रहेगा उनका मत, आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद, पूरा नाम है? पूरा नाम? पूरा नाम राम प्रसाद कुशवा। कुशवा, अच्छा। अभी जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर के आपका क्या मत है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? को किन की सरकार देखना चाहिए? अब हमें तो बेटा था ना, मतलब बाप बेटा बन के पैसा दे रहे हैं तो भैया देंगे ना हम, कहा कोई दूसरे को। भाजपा के पक्ष में आप? भाजपा के पक्ष में हम तो हमें कल्याण दे रहे हैं। जो योजना निकाली है सीएम ने उनकी, उनका लाभ मिला है आप सबके घर की बहन बेटी? नहीं मिलो बीमा नहीं डाल पाओ और क्या, कुछ नहीं डाला। मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, कह रुपया डाल चुके खाते में किसान के में, हम भोपाल कह रहे थे समाचार में। अधिकारी नहीं देते हैं पैसे, अधिकारी नहीं दे पा रहे। हाँ वहाँ से तो डालते हैं पैसा, किसान परेशान है मात, किसान परेशान है। अभी जो पिछले 5 सालों में जो यहाँ पर कार्यरत हैं, जो भी जिनकी भी सरकार यहाँ पर है, जो विधायक है यहाँ के, उनकी कार्यशैली से आप सब लोग खुश हैं? नहीं है, संतुष्ट नहीं है यहाँ के विधायक की कार्यशैली से कोई नहीं। खतौरा में स्थिति देख तो रही है वर्तमान विधायक की, कस्बा है यहाँ एक बाथरूम नहीं है, महिला परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं यहाँ का। पिछले 5 सालों में कोई भी कार्य, विकास कार्य, कोई भी काम, विधायक ने कोई काम नहीं किया। बदलना चाहते हैं अगले अभी चुनावों में प्रत्याशी कौन होना चाहिए, आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? महेंद्र यादव को देखना चाहते हैं आप? अभी जो वोट डालेंगे तो मतलब भाजपा की सरकार महेंद्र यादव जी को देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कतौरा में पूर्व विधायक थे उन्हीं की वजह से यहाँ कम से कम 1 करोड़ रुपए के पूरे गांव में सीसीएम कराई, स्टेडियम बनवाया, क्षेत्र में भी हर किसान से बात करते थे, सुनते थे, वो ही उनके पुत्र कर रहे हैं, किसान की सुनते हैं, कोई भी किसी प्रकार कैसा ही पहुंच जाए सुनवाई जरूर करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, वो अच्छी तरह डायरेक्ट सुनवाई करते हैं, अगर कोई शिकायत लग पहुंच जाए तो सेम घर पे रोज सुनते हैं। समस्याओं का निवारण हुआ है? लड़ाई बड़ाई भैया तो शांति से निपटा लेते, कोई पैसा लेने लगाते, मतलब प्रेम से शांति से समझा बजा के घर बैठा देते पार्टी कर्मचारियों की ऐसे नहीं है, हमारे NPS को बदलकर OPS मांग कर रहे हैं बार बार, लेकिन बुढ़ापे का सहारा OPS ही है, पेंशन सिस्टम।
हमारे लिए अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अन्यथा हम जो हमारे लिए ओपीएस फाइल करे उस पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के लिए हमसे जो है हमारी में जमा करते पैसा हमारी महिलाओं को, क्यों हमारी महिलाएं क्या उनकी बहने नहीं है, हमारी महिलाओं को जो है लाडली महिलाओं के साथ कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कर्मचारी देश है तो हमारी महिलाओं को 1000 लाडली बहना की योजना का फायदा देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इनकम टैक्स हम जो जमा करते हैं अन्य विभागों में रेवड़ी की तरह बांटते हैं, जो लोग बाकी की कुछ है नहीं है योजनाओं में, जो सारे जो 2.5 लाख रुपए जो बांटते हैं अन्य क्या बोलते हैं उसको आवास योजनाओं में, जबकि वो कर्मचारियों की मतलब हमारी जो वो रहता है इनकम टैक्स हम जमा कर करके जो लाडली बहना पैसा जाता है हमारी बहना मतलब हमारी कठनियों को नहीं मिलता। आप चाह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिले? हाँ बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार करती है तो हम इस पार्टी के खिलाफ हैं, अगर हमारे लिए ये पार्टी NPS को बदल कर OPS बहाल करती है जो हमारे लिए और बहाल करे उसके साथ रहेंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो आने वाली सरकार होगी अगर भाजपा को हटके कोई और सरकार आई तो वो ये सिस्टम लेकर आएगी? हो सकता है वो NPS को भी हटा दें और OPS भी ना मिले आपको? हमारे लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो 5 वादे किए हैं हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक में भी हिमाचल में भी और अन्य जो जगह उन्होंने जो है पार्टी का बदला हुआ है वहाँ इन्होंने ये बाधा के साथ किया है मैनुफेस्टो, मतलब मैनुफेस्टो में भी लिया है ये OPS फाइल करना, तो कर्मचारी उनके साथ रहेंगे जो हमारे लिए मांग पूरी करेगा। ये तो आपकी एक वो पर्सनल डिमांड जैसी हो गई, मतलब सरकारी जो भी मैडम मैं जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से आपने एक बात रखी है। बात करते हैं क्षेत्र की कार्यशैली से खुश हैं आप? जो भी क्षेत्र में हुआ है उसको लेकर के जो बदलाव होने चाहिए क्या होने चाहिए आपकी दृष्टि से, आप क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? हम लोग कहने में क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्षेत्रीय जनता बता पाएगी सही से, जो हमारी जो पीड़ा है गवर्नमेंट सर्वेंट की जो शासकीय कर्मचारी है उनकी तरफ से मेरा ठीक है। देखो सरकार तो आम जनता से बनती है, मत तो आपका रखा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बदलाव चाह रहे हैं, कोई और चेहरा देखना चाह रहे हैं या मोदी सरकार बनना चाहिए? क्या है कि भाजपा का प्रत्याशी तो बदल लेगा, दूसरा आएगा नहीं सुन सका या मार में लठ लेकर रहा था मैं तुम्हारे तुम तो क्यों तुम्हारे में लठ दिए थे हम तो जीव मुश्किल हो रहा है, एक सिक्योरिटी मारे कम से कम इतने बड़ा गांव परेशान है। तो पूरे लोग जब सब लोग उस दुविधा से जूझ रहे हैं उसी से परेशान है, सब लोग इकट्ठे होके क्यों नहीं जाते? अरे आतंक है, घर में आके मार लठ देते हैं, क्या करें, कानों का करेंगे? किसे वोट देना चाहते हैं हम? तो जो विकास करेगा उसके लिए देंगे। आपने अभी क्या सोचा, आपके जहन में कोई ऐसा प्रत्याशी के हाँ मैं ऐसे देखना चाहता हूँ? तो BJP में मोदी यहाँ मोदी जी को ही चाहते हैं? बिल्कुल मोदी जी से। अभी जो विधायक है उन्हें बदलना चाहते हैं आप या उन्हीं के कार्यों से? विधायक तो दोबारा आज दिखाए ही ना, कोई मतलब नहीं है उनको तो। दौरा करते हैं यहाँ पे क्षेत्र में आके लोगों की समस्या सुनते हैं जानते हैं? दौरा किया था, एक बार किया था, कोई मतलब नहीं निकला था उससे। आपकी बात रखी गई थी? नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं जो रखते। फिर आप संतुष्ट क्यों नहीं है? बात नहीं है तो रखना भी तो चाहिए। 1% नहीं है संतुष्ट। क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? बदलाव के हिसाब से देख तो लो आप कितने बेरोजगार लोग हैं। नमस्कार, फास्ट समाचार से अब हम पहुंच गए हैं बदरवास की नगरी में, देखेंगे यहां पर लोगों के क्या विचार हैं, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं लोग, क्या बदलाव चाह रहे हैं, जानेंगे उनकी मुख जुबानी। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? शिव नारायण। पूरा नाम? शिव नारायण कविपंती।
अच्छा, अभी हम जो है चुनाव जो आने वाले हैं उनको लेकर की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि आप किन के फेवर में हैं, आप किन्हें वोट देना चाहते हैं, अभी की जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? संतुष्ट है। संतुष्ट है। किसे देखना चाहते हैं आगामी चुनावों में, किसे वोट देंगे? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी को देंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश प्रजापति है। मुकेश प्रजापति, यहीं के रहने वाले हैं आप? अभी जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर के आपके क्या विचार है, आप किसे वोट देना चाहेंगे, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? जी अपन बीजेपी के पक्ष में है, मोदी अपने मोदी के फैन है बहुत ज्यादा। अभी जो शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना जो निकाली गई है, जो निकाली गई है पहले भी, उनका लाभ आपके घर परिवार में मिला है? नहीं मिला है मैडम, 1000 रुपए हमारे घर पर हमारी बाप के खाते में आ चुके हैं, उन निकाल भी लिए हैं, उससे हमको बहुत फायदा है। निकाल लिए। यहाँ के अभी जो क्षेत्र के करंट विधायक हैं जो हाल फिलहाल में कार्यरत हैं, उनकी कार्यशैली से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं या बदलना चाहते हैं, किसी और का चेहरा देखना चाहते हैं? जी सिर्फ ऐसा है, मैं बताऊँ, कोई विधायक तो हमारे फेवर के नहीं है। खैर मैं आपको बताऊँ जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे फेवर के बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत उन्होंने विकास किया मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसी बात नहीं है। पहले हमारी दुकान पीछे लगती थी, विधायक जी ने दुकान हटवा कर यहाँ पे रोड फटवा दी बना दी हमारे लिए, हम विधायक पक्ष में नहीं। अच्छा अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ का विधायक बदले, किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप? जी कोई भी विधायक आ जाए, कोई भी विधायक आ सकता है, कोई भी आ जाए, ऐसी बात नहीं। हरिशंकर। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो भाई की मोदी जी की बढ़िया है। मोदी जी की देखना चाहते हैं। अभी जो लाडली बहना योजना निकाली गई है उसका लाभ आपके घर परिवार में, आपके रिलेटिव्स में मिला है? सभी मिले हैं, सभी मिल रहा है, बिल्कुल टोटल। अभी जो करंट में विधायक हैं उन्हें ही देखना चाहते हैं, नया चेहरा देख? सही नहीं है। नहीं है, सही नहीं है। कोई कार्य किया गया है पिछले 5 सालों में उनके द्वारा? दौरा किया जाता है यहाँ पे? दौरा तो उतरी थे, लेकिन काम का जिला सीपरी में कोई काम नहीं है। नगर पालिका करवा दी यहाँ पर विकास, विधायक ने कोई कुछ नहीं करवाया। विधायक ने कुछ नहीं कराया है। शिकायत करते हैं आप लोग इस बात की जाके अधिकारियों से आके शिकायत करते हैं कि हमारा कार्य नहीं? कई भी सरकार लगाई, हमारा कुछ हिसाब किताब अनुभव हम पटवारियों का, फिर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका हमारी सोचती है, इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, बनना कुछ नहीं है। आपसे आपकी दुकानें छीन ली गई हैं, आपको इधर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया? हाँ भाई, हमारी सभी दुकान छीन ली, पहले हम परमानेंट थे, यहाँ स्टे करवा दी, हम फुटपाथ बना दिया। नगर पालिका की इतनी मेहरबानी कि हम यहाँ पे बैठे हैं। कुल मिलाकर आप बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ। लेकिन विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? विधायक आज तो कोई काम करवाए नहीं सोचता, मतलब जी है। विधायक का चेहरा बदला हुआ देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बदला देखना चाहते हैं हम। किसे देखना चाहते हैं? महेंद्र सिंह को। वो ये कई बात है, महेंद्र सिंह ही है और का आए तो विधायक ऐसे हो जो कि विकास करे, बाकी गरीबों की व्यवस्था भी देखे, कमावे तो दुनिया ही कमा रही है। ना सांसद ने करवाया, ना विधायक ने करवाया, दोनों ने कुछ नहीं करवाया यहाँ पर। हाँ दोनों ने कुछ नहीं करवाया यहाँ पर। 50 साल से हम जब बैठे थे, जगह 50 साल से बैठे थे, और जिनने जो है पेटी खुलवे के पहले तो आश्वासन बिल्कुल चुनाव पहले दे रहे थे, बिल्कुल जही धारी रहेंगे, और चुनाव जीतवे के बाद में पेटी नहीं खुल पाई थी, पहले स्टाल हट गए। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल जो नए विधायक आएंगे जो कुछ पलटेगा यहाँ पर, वो आपकी तकदीर भी लेकर पलटेगा? क्यों नहीं पलटेगा, मुझे बताओ, 50 साल से आदमी बैठो वहाँ, 50 साल से जब बैठो है रोजगार से लगो तो आज फुटपाथ में बैठे, कौन से बैठे हैं? जो विधायक है तो वो कर नहीं कर सका, तो रमजान के पेट भर जा, जनता भूखन मरा चाहे कोई मरे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? है रफीक। पूरा नाम? रफीक। अच्छा, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अरे सरकार तो जनता की आएगी तो काम तो कुछ करवाता ही नहीं है, मोदी काम नहीं करवा, काम 10 पैसा नहीं करवा, भले सरकार जाए पास का मतलब है मेरी तो भवन के 2 रुपये नहीं आए, क्या बता रहा हूँ मैं, सरकार कहाँ ले जाऊँ जाए है? वो तो बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की सरकार, मोदी नाना दोबारा से नहीं आया, शिवराज नाना दोबारा से नहीं आएंगे, वे तो आ जाएंगे। विधायक से प्रसन्न नहीं है? विधायक दूसरा देखना चाहते हैं, इसे ही देखना चाहते हैं? अरे दूसरा ही आओ विधायक, तो महेंद्र सिंह आओ, यादव महेंद्र सिंह जी को देखना, और का भाई देखेंगे, और भाई डालेंगे, भाजपा की सरकार लाएंगे। हाँ भाजपा की सरकार आ जाए, भले
अभी जो बहना लाडली बहना योजना निकाली गई उसके घर में आपको लाभ मिला उसी योजना और का चार भगवान में धोखे मिले पैसे धोखे नहीं मिले है धोखे भंजाम का मुख्यमंत्री कहने लेवे काज है झूठे साचे आधे रुपए डारो आधे मत डारो। मेरा नाम संतोष सेन है। अभी की सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे घूटे घूटे पानी में निकल के पढ़ने जाते हैं, कभी कभार बेचारे ड्रेस शायद यहाँ गिर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी के राज में, और जो हमारी झुक्की झोपड़ियाँ हम जो पेट पालन करते थे दुकानों से तो वो भी छुड़वा दी बीजेपी ने। और जो विधायक साहब हैं धीरेन्द्र रघुवंशी जी, उनका चुनाव था तो उस पीरियड में दुकानें हटी थी, उन्होंने जो कहा था छाती ठोके मैं आपके साथ हूँ, विकास आपके साथ है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं अभी तक इन गरीबों से मिलने नहीं आए कि ये गरीब भूखे हैं प्यासे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। खाली उनको तो बस चुनाव में जीत चाहिए, बस बस चुनाव के दौरान यहाँ पर दौरा करके सबसे वोट लेने के लिए आए थे, उसके बाद कभी किसी की समस्याएं नहीं सुनी गई हैं? कभी किसी गरीब से मिलने नहीं आए, ना कोई समस्या सुनी गई। हम लोग कैसे पेट पालन करते हैं, कैसे अपने बच्चों का गुजारिश करते हैं, और हमारे पेट में लात और मार दी, हमारी दुकान और तोड़ो। नमस्कार, कोलारस पहुंच गया है पास समाचार का काफिला। मिलेंगे यहां के लोगों से, जानेंगे उनकी समस्याएं, क्या चाहते हैं बदलाव और किसका होगा इस बार का वोट। मेरा नाम जब्बार है। पूरा नाम? जब्बार हुसैन। अभी की जो सरकार उससे आप संतुष्ट हैं? अभी के जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली आपको कैसी लगती है? नहीं, विधायक सरकार से तो संतुष्ट है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, काम करने वालों में संतुष्ट नहीं है। विधायक अपना विधायक साहब ने कुछ नहीं करा कोलारस के अंदर, सब जगह जगह गली में गली गड्ढे हैं, कोई सुनवाई नहीं है कोलारस के अंदर। ये हमारे अपन विधायक को चेंज करना चाहते हैं, बीजेपी का किसी विधायक आएगा अच्छा चेहरा आएगा उसको भी वोट देंगे। बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ, अच्छा चेहरा आएगा उसको भी, विधायक आए बीजेपी का उसको वोट डालेंगे। पिछले 5 सालों में क्षेत्रीय क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या क्या विकास हुआ है आपकी नज़र? तो अब हमारे कोलारस में विकास में गाँव के एरिया की बात अलग है, कोलारस के अंदर कुछ विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं हुआ। चुनावी दौर में वहाँ पर यहाँ पर जो है विधायक जी जो रहे हैं, चुनावी दौर में आते हैं, दौरा करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, इसके अलावा भी आते हैं? नहीं, आते तो हैं, वो तो इनकी कमेटी रहती है, उनके संग आते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं की जाती, कोई निराकरण नहीं किया जाता? नहीं, निराकरण नहीं होता। बीजेपी से जो चेहरा आएगा आप उसे वोट देना चाहते हैं लेकिन बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं।